महान नास्त्रेदमस दुनिया के सबसे ज़्यादा सटीक भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता थे, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी से दुनिया को चौंका दिया। उनकी 950 भविष्यवाणियों में से आधे से ज़्यादा तो सही निकल चुकी हैं। इनमें से 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले की भविष्यवाणी सबसे महत्वपूर्ण थी। नास्त्रेदमस ने कहा था, दो लोहे के पंछी नई भूमि की दो चट्टान से टकराएंगे, जिसके बाद युद्ध होगा। ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक निकली। ऐसी ही एक भविष्यवाणी नास्त्रेदमस ने 1555 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी पुस्तक द प्रोफेसीज में की है। उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी की आधे से ज्यादा बातें पूरे तरीके से सही निकली हैं। लेकिन अगर पीएम मोदी को लेकर की गई भविष्यवाणी पूरी सही साबित होती है तो देश की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो नास्त्रेदमस की उस भविष्यवाणी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह भविष्यवाणी महज एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि हमारे भविष्य का वो सच है जिसका सामना हमें करना है। नास्त्रेदमस ने भारत को लेकर वैसे तो बहुत सी भविष्यवाणियां की हैं। उनमें से एक भविष्यवाणी ऐसी है जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है। नास्त्रेदमस ने अपनी पुस्तक में लिखा है, तीन ओर से समुद्र क्षेत्र से घिरे स्थान पर वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि और समुद्र में उसके जैसा कोई नहीं होगा। भविष्यवाणी के इस अंश से उस क्षेत्र का पता चलता है जिसमें वह महान पुरुष जन्म लेगा। तीन ओर से तो भारत ही घिरा है। भारत में गुरुवार ही एक ऐसा दिन होता है जिसे सभी धर्मों के लोग समान रूप से मानते हैं। हालांकि समुद्र से तीन ओर से तो और भी देश घिरे हैं, जैसे नॉर्वे, वर्मा, मलेशिया, स्वीडन, फिनलैंड, स्पेन आदि। लेकिन इन देशों की महाशक्ति बनने की संभावना कम ही है। और दूसरी बात यह है कि नास्त्रेदमस ने आगे लिखा है, वह देश एशिया में है और जिसका नाम महासागर के नाम पर होगा, जैसा कि हिंद महासागर के नाम पर हिंदुस्तान। नास्त्रेदमस ने आगे लिखा है कि जब एशिया में धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर होगी, जैसे कि आज है, उसका नाम वरण या शरण से होगा। यह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा। इस प्रकार के नाम भारत में और खासकर हिंदुओं में पाए जाते हैं। नास्त्रेदमस ने कहा है कि इस नेता से लोग पहले प्यार करेंगे, फिर डरेंगे। यह दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेगा। उसकी शक्ति दुश्मन राष्ट्रों के दिलों में भय पैदा करने वाली होगी। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और विजेता के रूप में सम्मान पाएगा। नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि 21वीं सदी के प्रारंभ में सायरन का उदय होगा। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह नेता चीन से हो सकता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह भविष्यवाणी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वे भी एक गरीब परिवार में जन्मे और उन्होंने भी अपना प्रारंभिक जीवन संत की तरह बिताया है। और उनसे भी पहले लोग नफरत करते थे, लेकिन फिर प्यार करने लगे और हो सकता है आगे जाकर डरे। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी का अगला भाग सबसे ज्यादा स्पष्ट और सटीक लगता है। उन्होंने लिखा है, एक महान व्यक्ति भारत में जन्म लेगा जो पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी होगा। उससे भयभीत होकर उसे सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी दल और दो पड़ोसी देश षड्यंत्र करेंगे, पर वह सभी षड्यंत्रों को विफल करते हुए प्रचंड बहुमत से सत्तासीन होगा। वह समुद्र से सटे किसी प्रांत में छोटी जाति में जन्म लेगा, लेकिन सभी जातियों के लोग उसके नाम पर एकजुट हो जाएंगे। जिस समय उसकी लोकप्रियता होगी, उस समय किसी गोरी चमड़ी वाली महिला का शासन होगा, जिसके शासन से त्रस्त होकर जनता त्राही त्राही करेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, 2014 के पहले तक जनता किसके शासन से परेशान थी। उस व्यक्ति का नाम एक महान व्यक्ति के नाम पर होगा, जैसा कि नरेंद्र मोदी का नाम स्वामी विवेकानंद के बचपन के नाम नरेंद्र जैसा है। इन सभी समानताओं से एक बात स्पष्ट है कि भविष्यवाणियों के बहुत से अंश नरेंद्र मोदी के वो महान अवतारी पुरुष होने की ओर इशारा करते हैं जो भारत की काया पलट कर देने वाला है, और हो वैसा ही रहा है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिनका ख्वाब हर नागरिक देखा करते थे। भारत विश्व पटल पर विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है, लेकिन दावे के साथ ये कहना कठिन है कि वो भविष्यवाणी किसके लिए की गई है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।